1489 માસ્ટર બેકમ બુધવાર તારીખ 12/12/65 દિવસે પરમ પૂજ્ય સદગુરુ દેવ શ્રી ગાંધી સ્વામીનો શ્રી મોક્ષ પ્રકાશકના 9મા અધિકાંત ઉપર સુવર્ણ પરિમા પ્રવચન નમો નોય સૌરિયંતાણમ નમો નોય સૌસિદાનમ નમો નોય સૌભાયિરિયાણ નમો નોય સૌજાયનમ નમો નોય સૌ ત્રિરાવર્તિ શ્રાવણમ ఓంకారమిందు సంయుక్త నిత్యం జాయంతి యోగిన కామదం ఔషధం చేయి ఓంకారాయ నమో నమః మంగళం భగవాన్ మంగళం గౌతమం మంగళం కుంకుందారి ఉజేంద్రమో సుమంగళం నమస్సు నమస్కారాయ స్వానుభూత్యాచకాస్తి చిత్స్వాయ భవాయ मोक्ष मार्ग प्रकाशक सोडन कृत है वो शब्द है। नाम सुना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक राम रामायणी वो तोडनमल है, तोडनमल जी हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र बनाया है उसकी बात। मोक्ष मार्ग का स्वरूप राम राम है। क्या तो उसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखाते हैं कि आत्मा जो अनादि काल से कर्म का निमित्त है न अपनी दशा में मलिन दशा और शुद्ध दशा जो हो रही है, पुण्य ने पाप शुभ ने अशुभ भाव ये जो ही अशुद्ध दशा आत्मा की अवस्था में है उससे वो दुखी हो रहा है। बराबर है, अशुद्ध दशा से दुखी हो रहा है। आत्मा तो ज्ञानानंद शुद्ध चिदानंद मूर्ति है उसका स्वरूप, पर अनादि काल से अपनी पर्याय नाम दशा में शुभ पुण्य पाप भाव दो ही मलिन भाव से अनादि से दुखी हो रहा है। उससे छूटने का उपाय भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जैन परमेश्वर उसका मोक्ष का मार्ग बताया। तो मोक्ष का मार्ग क्या है वो बात चलती है। देखो मोक्ष तो आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा होना, उसका नाम मोक्ष। आत्मा की पूर्ण अरागी अविकारी वितरागी दशा पूर्ण होना उनका नाम मोक्ष। उसका मार्ग गड़बड़ नहीं चले, कथा वार्ता है नहीं बोले, उसमें तो शांति हो तो कथा चल रही ऐसी बात है ना। शांति का काम नहीं। हाँ आत्मा अब देश है तो भिन्न है, आत्मा है वो देश तो भिन्न है, पर उसकी अपनी पर्याय नाम अवस्था दशा में अनादि काल से उन्होंने पाप भाव होता है, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना उसमें उसकी रुचि है, मिथ्या रुचि है, और उसमें जो दया दान व्रत सब पूजा भक्ति यात्रा का शुभ भाव होता है उसमें धर्म बुद्धि है वो भी मिथ्या बुद्धि है। समझ में आया? क्योंकि दो ही पुण्य ने पाप भाव दो अशुद्ध मलिन भाव है वो पहले से चला है। जिनके निमित्त आत्मा अशुद्ध शाह कोदारी दुखी भया पहली नीति है वो चली चली चल गया है। आत्मा में शुभ और अशुभ दोनों भाव मलिन है। समझ में आते हैं? हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध वो पाप भाव है, और दया दान व्रत सब भक्ति पूजा यात्रा वो भाव शुभ पुण्य भाव है। दो ही भाव है वो बंध का कारण है, ये अशुद्ध है। तो उससे छूटने का उपाय क्या हुआ बताते हैं। समझाई से कहा है, समझाई से इसलिए समझने को जाते हैं। आत्म तत्व जी सूक्ष्म बात है, ऐसे अनादि काल परिभ्रमण करते
अनंत अवतार स्वर्ग में भी अनंत में हुआ, कोई पुण्य करके तो अनंत हुआ स्वर्ग में गई, पाप किया तो नरक में पशु योनि में गई। ये दो ही चार व्यक्ति का कारण जो भाव दो ही को यहाँ भगवान अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध कहो कि शराब कहो, शराबी भाव अशुद्ध भाव है, उससे दुखी हो रहा है 84 के अवतार में। तो शराबी भाव से रहित मोक्ष का मार्ग वितरागी भाव है। वितरागी भाव मोक्ष मार्ग है। ये कृष्ण जी राज तो कहते हैं, पहले अशुद्ध छात्र की बात किया, अनादि काल शुभ ने अशोक, शुक्ल लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, अशुभ भाव कृष्ण नील कापुत तो अशुभ भाव, दो ही राग भाव, पंच महारत का भाव भी राग भाव, अव्रत का भाव भी राग भाव, अव्रत का पाप राग, व्रत का पुण्य राग, बंदो ही राग है। समझ में आया? और राग को यहाँ अशुद्ध दशा कहने में वितराग मार्ग, और राग है उसकी रुचि छोड़कर अपना शुद्ध चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप है, उसकी वितराग स्वभाव आत्मा का है, उसमें वितरागी दृष्टि करना और राग की रुचि छोड़ना, उसका नाम प्रथम संन्यास दर्शन वितराग की पर्याय मोक्ष का मार्ग है। नवनीत भाई खबर नहीं, खबर नहीं कि क्या राग है न क्या आत्मा है। मोक्ष मार्ग चलते, मोक्ष मार्ग तो वितराग भाव है, मोक्ष मार्ग का अर्थ ही वितराग भाव है, और बंद मार्ग का अर्थ ही राग भाव है। कुने उन दिया आ क्या क्या चलते हैं कि यथार्थ वितराग स्वभाव आत्मा का है, वितराग विज्ञान धन आत्मा है, उसको भूलकर वर्तमान दशा में जो राग भाव, राग का पति दो ही प्रकार शुभ शुभ दो ही, ये राग भाव है उसको हित मानना, वो लाभकारक मानना, वो मिथ्या दृष्टि विकारी राग भावी दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। और वो राग भाव है शुभ के अशुभ दो ही, उससे उदासीन होकर मैं ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिदानंद ज्ञाता हूँ, मेरी चीज में राग नहीं, और राग की रुचि हटकर स्वभाव राग रहित त्रिकाली चैतन्य भगवान अपना स्वरूप रखते हैं, और उसका अंतर स्वभाव की दृष्टि करना वो वितरागी दृष्टि हुई। राग से तो दुखी होता है, थोड़े तो दुख से मुक्त होने का उपाय क्या? पूर्ण दुख से मुक्त होना वो मोक्ष है, तो मोक्ष का कारण क्या? कि राग से मुक्त होना, पुण्य पाप का विकल्प जो है वृत्ति उठती है भाव, उसको हटाकर उसकी रुचि छोड़कर राग से रहित मेरी चीज ज्ञान आनंद और शुद्ध है, ऐसी प्रथम दृष्टि वितराग दृष्टि उसको कहते हैं। ये वितराग दृष्टि कहो कि सम्यक दृष्टि कहो, सम्यक दृष्टि कहो कि सच दृष्टि कहो कि मोक्ष का मार्ग का एक भाग कहो। समझ में आते हैं बात? बहुत अनंत काल से मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे कुट जायो आते हैं, वो जानत राय दौलत राय है ना, दौलत राम उसमें उत्सठाड़ आती है, सठाड़ा सठाड़ा चलती है कि नहीं तुम्हारे गांव राम में, तो उसमें वो आती है कि मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे कुप जायो, कौन आत्म ज्ञान बिन पै आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न पायो। अनंत बैर मुनि व्रत धारण किया, अच्छा भी मुर्गो
पंच मारवा पर वो तो राज है और अवरत हिंसा जुखिम विषय भोग भाव वो पाप राज है। दो ही राज की रुचि रखना वो मिथ्या दृष्टि का बंद मार्ग है और दो ही पुण्यपाप राज की रुचि छोड़कर नायक सिदानंद में शुद्ध आत्म तत्व हूं ऐसी राग की रुचि छोड़कर तो राग की रुचि छुट्टी तो वे हुआ तो विकराग विज्ञान घन चैतना अपना स्वरूप शुद्ध है उसकी दृष्टि का होना उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन अथवा विकराग मार्ग की दृष्टि समझाई से कहाद्धान सम्यक दर्शन उसको कहते हैं तो कहते हैं बहुरी बहुरी और ढूंढारी भाषा है जयपुर की बहुरी नाम और कई कारण ऐसे हैं जाके भाई कारसी धोई है सिटी मोक्ष मार्ग प्रगट हो कारण तो मोक्ष हो ही हो मोक्ष मार्ग अपने अंतर में प्रकट करने से मोक्ष हो ही हो जाके भई कार सिद्ध हो ही हो और जाके न भई कार सिद्धि सर्वतन हो अपना आत्मा पूर्ण परमात्मा आनंद दशा को प्राप्त हो उसका नाम मोक्ष और उसका कारण जो कारण प्रकट हो कार्य आया बिना रहते ही नहीं वो कारण को यहाँ मोक्ष मार्ग कहते हैं तो वो मोक्ष मार्ग वितरागी दृष्टि वितरागी ज्ञान वितरागी चरित्र है समझ में आया सूक्ष्म बात है अनंत काल से रुचि नहीं अनंत काल हुआ मुनि पर अनंत बैर दिगंबर हुआ वस्त्र पात्र छोड़कर धारा समुद्र जंगल में रहा तो भी वो मैं पर को न मारू पर को दुखी न हूँ सुखी पर को करूँ मेरे से दुनिया धर्म पामे ऐसा जो राग उठते हैं वो विकार है अने राग में धर्म मानना वो दृष्टि राग वाली दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि है। पर वो राग रहित में आत्मा ओहो जिसको पहली क्षण में शुभ ने अशुभ भाव से उदास होकर अपना चैतन्य ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से शुद्ध भरा है उसमें एकाकार होकर सम्यक दर्शन प्रकट करना वो सम्यक दर्शन वितराग मार्ग का एक अवयव है। वितराग भाव को मोक्ष मार्ग कहो उसका एक भाग है तो उसमें वितराग दृष्टि आती है। नवीन भाई समझाई से कि नहीं आते हिंदी भाषा चले समारे जो जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रही सम्यक दर्शन अपना शुद्ध चैतन स्वरूप जो पुण्य पाप का राग से रही अपना चैतन आनंद कण केवल ज्ञान का पिंड प्रभु आत्मा है आ उसकी अंतर में राग की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि वितरागी करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया आ तुम्हारी भाषा सब हिंदी चलती है नहीं जाते और सम्य ज्ञान का अर्थ अपना आत्मा पुण्य पाप का राग से रहित ऐसा आत्मा का ज्ञान वितरागी स्वभाव उसका ज्ञान वो वितरागी मार्ग का एक अवयव है। ये वितरागी ज्ञान हुआ वितरागी दृष्टि वितरागी ज्ञान और चारित्र चारित्र भी वितराग भाव है अंदर और आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति उसकी वितरागी दृष्टि वितरागी ज्ञान और वितरागी परणती लीनता
वो पंच महाव्रत आदि विकल्प राग है, उससे रहित अपनी प्रणति वितरागी होना, उसका नाम भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा चारित्र कहते हैं। तो सुगंधन जी आत्मा आसपास से आया है, बोलते हो सागर के आसपास से है, आसपास हो मार्ग तो कहा राग मार्ग, कहा शुद्ध मार्ग, कहा अशुद्ध मार्ग, कहा शुद्ध मार्ग, दो प्रकार देखिए अशुद्ध की उपाधि होते ना, न्याय की उपाधि हुआ। ओ हो प्रभु आत्मा शुद्ध आनंद कंद सचिदानंद निर्मलानंद प्रभु ऐसा, उसमें तो पुण्य पाप का राग अंतर में है ही नहीं, वस्तु में नई पर्याय में अवस्था में हालत में शुद्ध ने भूली और अशुद्ध दशा पुण्य पाप की उत्पन्न करते हैं, और वो मेरे हित है, उसका नाम मिथ्याभाव। आओ तरफ का इकिला ज्ञान करना को ठीक है मिथ्या ज्ञान, और राग द्वेष में एकाकार होकर मानना के ठीक मेरा वर्तन है, उसका नाम मिथ्याचारी तरफ। मनीष भाई तो सेठी समझ में आया, क्या यूं पड़ा मा व्रत ने किसी चंद जी, भगवान ये तेरी चीज तो शुद्ध ज्ञानानंद मूर्ति है, वो ज्ञान प्रकाश का तेज, प्रकाश का तेज तेरी चीज है, उसमें तो राग का कण नहीं। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बनते हैं वो भाव भी स्वरूप में नहीं, तो वो तो राग है। तो उस कारण भावना आता है ना भैया, वो आश्रव है ना, वो आश्रव है तो बंद पड़ते हैं, धर्म से बंद नहीं हो, प्रकृति का बंद पड़ते हैं, वो पुण्य भाव से पड़ते हैं, तो सोरस कारण भावना भी राग भाग है तो उससे बंद पड़ते हैं। तो आत्मा राग को तोड़कर जब वितराग होगा तब केवल ज्ञान पाएगा, ये राग को रखकर केवल ज्ञान पाता है, कि संगोत्र बांधने वाला वो भी होता नहीं। समझ में आया, आ वस्तु कहीं ये भी नहीं कि एक नो जान परू तरी ले के एक लिया बात करे के आचरण करी दिए राग नु, वस्तु पूर्णानंद वितराग विज्ञान ग्रंथ से भरा है, भी दूसरी भाषा से कहिए सम रस ज्ञान है, आत्मा का अंदर स्वभाव समरस ज्ञान है, आ उसकी रुचि छोड़कर अनादि राग रस की रुचि किया है, वो मिथ्या श्रद्धा है। पति शुभ हो के शुभ हो, वो शुभ हो के शुभ का ज्ञेय बनाया, स्वको ज्ञेय समरस ज्ञान का ज्ञेय छोड़ दिया, और पुण्य पाप राग आदि को ज्ञेय बनाया, मिथ्या ज्ञान है। नवनीत भाई अने समरस अपना स्वरूप चैतन है, उसमें लीनता छोड़कर शुभाशुभ भाव में लीनता हुआ वो मिथ्या चरित्र है, वो बंद का कारण है। तो बंद का कारण से रही मोक्ष का मार्ग जो संगत दर्शन ज्ञान चरित्र एकता भई, तीनों को एकता अंतर में। ओहो शास्त्र का ज्ञान थोड़ा हो विशेष हो उसकी साथ संबंध नहीं, पर वितरागी आत्मा स्वभाव हम अन्य अंतर स्वभाव वितराग न हो तो जब वितराग होगा वो वितराग दशा आएगी कहां से, कि बाहर से आती है, है? समझ में आता है, जब वितराग दशा होगी अरिहंत परमात्मा होता है वितराग, तो वितराग वो दशा है अवस्था है, ये कहां से आई है, क्या राग में से आई है शरीर में से आई है, ये आत्मा में वो वितराग शक्ति पड़ी है। समझ में आया,
जैसे दृष्टांत देते हैं ना हम स्वीपर का, वो छोटी स्वीपर नहीं होती है, हिंदी स्वीपर कहते हैं, क्या कहते तुम्हारे छोटी स्वीपर नहीं कहते, छोटी स्वीपर कहते हैं वो घिसते ने चौसठ पैरी होती है ना, चौसठ पैरी सर पर आई नहीं होती है, बहुत सर भी ऊपर देते हैं, तो चौसठ पैरी सर पर आई प्रगट हुई कहां से हुई, क्या पत्थर से हुई है, उसमें से हुई है, ये में है, एक शेर सता ने त्या क्या गया था आपने सुनराम ना आपने बोलो जमाए ना शेष न जमाए परतवारा परतवारा में शेष सर रखनी चंदा से कौन बात सुनिए जमाया था सत परतवारा से परत और मुक्तागिरी थे ना यात्रा मुक्तागिरी पांच को से मुक्तागिरी यहां गए थे ना हम यात्रा के, तो यहां परतवारा आए थे पहले परतवारा व्याख्यान हुआ तो ये वो बैठा था जमाई ग्रस्त मान था बड़ा मकान में परतवारा में कहां से आए यार चौसठ पैरी चर पर आए हमारी बात तो हसी के अंदर में हसी तो आई अंदर में है तो आई एम अपना आत्मा में वितराग केवल ज्ञान दशा प्राप्त हो कहां से आती है अंदर में है खबर नहीं वो तो राग की क्रिया में करूं निमित्त को मैं जुटाऊं तो उसमें से मेरी वितरागति का झरना होता है वितराग की उत्पत्ति होती है दृष्टि में विप्रयास है अपना स्वभाव में वितराग विज्ञान घन है ज्ञान वितराग अकसाय रसघन है ऐसा वितराग विज्ञान वितराग कहो अकसाय विज्ञान कहो इस स्वभाव जो वितराग विज्ञान है उसकी दशा में वो वितराग विज्ञान घन की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है और उसका ज्ञान करना उसका नाम सम्यक ज्ञान है और उसमें लीनता होना नाम चारित्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण से पूर्ण वितराग विज्ञान घन कारी आत्मदशा प्रकट होगी दूसरा कोई उपाय से होगी नहीं समझ में आया तो कहते हैं कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता भई तो मोक्ष हो ही है पहले तो आ गया था कि मुनि व्रत का द्रव्य लिंग धारण करे मोक्ष जब अपना हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा तब तो द्रविलिंग नग्न हो ही हो तब तो द्रविलिंग ही हो नग्न पर द्रविलिंग धारण किए मोक्ष मार्ग अंदर प्रकट किया नहीं तो मुक्ति उससे नहीं होती समझ में आया वो पहले बात आ गई है कारण में और भरत चक्रवर्ती आदि को तब करना ही नहीं पड़ा बाय तब अंतर का आत्मा का ध्यान में आनंद कन वितराग विज्ञान कन ओहो सबसे उदास राग से उदास संयोग से उदास उत आसन एनाती उदास स्वभाव आसन लगाया स्वभाव विनायक मूर्ति में आसन लगाया दृष्टि का लिमता हुई अंतर मूर्त में चल जाए अंतर मुहूर्त समझे अंतर मुहूर्त थोड़ा था दो घड़ी के अंदर केवल ज्ञान तो कोई को बाई तब न भी हो कोई को हो पर द्रविलिंग तो जब केवल ज्ञान पाने की चारित्र दिशा प्रकट करे तब तो द्रविलिंग नग्न होता ही है दूसरा कोई लिंग हो न केवल ज्ञान पाते हैं कि चारित्र होता है सब अंत नहीं समझ में आया पर द्रविलिंग धारण करे तो आनंद में किया पर अंतर में वितराग स्वभाव जचा नहीं वो राग का विकल्प उठते हैं उसकी रुचि जच उसमें जज गया उसमें दृष्टि लग गई अपना भगवान आत्मा राग का कण से भिन्न चैतन्य कंद है
राग का कण से भिन्न चैतन्य कंद है, ऐसी दृष्टि किया नहीं। नवमी ग्रेक मुनि व्रत धार अनंत बैर गई, पर जन्म मरण का तो आया नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं को आत्म सम्यक दर्शन, आत्मा का दर्शन प्रति, आत्मा का ज्ञान और आत्मा श्रद्धांजलि से चारित्र की एकता भाई तो मोक्ष हो ही हो, और तिनके न भाई सर्वथा मोक्ष न हो। लाख द्रिवलिंग धारण करे इच्छा भी मूल गुण भी पाले गुण होगा। अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चीज की प्रगत दशा किए बिना उससे कभी मोक्ष होता नहीं। ऐसे ही कारण कहे तीन विषय अतिशय करी नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव घड़ा कारण किया था ना उन्होंने स्वप्न आदि अतिशय करी नियत सहित है मोक्ष का साधक सम्यक दर्शन चारित्र का एक ही भाव दर्शन ज्ञान चारित्र एक रूप हो अंतर में तब उसको क्षण में मोक्ष होगा। तो मोक्ष मार्ग जानना इन्हीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने विषय एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग न हो, एक भी न हो अर्थात राग की ममता की क्रिया करे पर सम्यक दर्शन ज्ञान न हो तो भी मुक्ति नहीं, और सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करे पर राग का अभाव करे नहीं तब भी मुक्ति नहीं। इतराग भाव तीनों की एकता एम कहते हैं। तो ये तत्वार सूत्र विषय कया देखो, ये तत्वार सूत्र दश लक्षणी पर में बहुत वाचते हैं, वाचते हैं ना उमा स्वामी का तत्वार सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र लिया तत्वार सूत्र का। जो भगवान कुंकुंडाचार्य मुनि दिगंबर हुआ जंगल में बसने वाला 2000 वर्ष पहले, आ उसका शिष्य था उमा स्वामी, उसने तत्वार सूत्र बनाया जो दस लक्षणी पर में वाचने में आते। वो पहला सूत्र कहा देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की टीका विषय कहा जो यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन कहा है, मोक्ष मार्ग एक है, मोक्ष मार्ग तीन नहीं। ताका यह अर्थ है जो तीनों मिले एक मोक्ष मार्ग है। सम्यक आत्मा का अनुभव में प्रतीत, सम्यक आत्मा का ज्ञान और आत्मा में वितरागी चारित्र की रमणता, तीनों होकर एक मार्ग है। जुदे जुदे तीन मार्ग नहीं। यहाँ प्रश्न जो असंयत समझ के तो चारित्र नहीं, क्या प्रश्न किया? देखो सैनिक राजा भगवान के वक्त में था, सम्यक दर्शी था पर चारित्र नहीं था। भगवान महावीर परमात्मा त्रिलोकनाथ भगवान का समोसरण में राजगृह में जारे परमात्मा विराजते थे, पर सैनिक राजा वारंवार सुनने को जाते थे। और सैनिक राजा क्षाज चमकीती था और उसने तीर्थंकर गोत्र बंदा है सैनिक राजा के, जो आगामी 24 में तीर्थंकर होगा नरक में से निकल कर। तो कहते हैं कि उसको मोक्ष मार्ग भी कहना कि नहीं, और संयत सम्यक दृष्टि तो चारित्र नहीं। अतः दृष्टांत कैसे कि उस सैनिक राजा सम्यक दृष्टि था, शाही संकित था, चारित्र नहीं था, व्रत नहीं था, तप नहीं था, त्याग नहीं था, वाके मोक्ष मार्ग भया है कि न भया है, एने मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं, आप प्रश्न किया। समझ में आया? ताका समाधान, ये मोक्ष मार्ग वाके होशे ये तो नियम भया, जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ
मैं शुद्ध चिदानंद आनंद हूं, मेरे में आनंद मेरा है, मेरा आनंद पुण्य पाप के भाव में निमित्त में तिनकाल में नहीं, मेरा आनंद मेरी आत्मदशा में सद्दा वस्तु में है, मेरा आनंद नहीं पुण्य पाप के भाव में नहीं निमित्त में, निमित्तों पर रहा पर अपनी राग दशा में भी मेरा आनंद नहीं। ऐसा आनंद की अंतर दृष्टि हुई तो कहते हैं तो उसको मोक्ष मार्ग है कि नहीं, कि वहां के मोक्ष मार्ग होशे सम्यक दर्शन हुआ है तो चारित्र आएगा आएगा ने भविष्य में क्यों ज्ञान में चारित्र आएगा, अभी तो पहली नरक में है, यहां से पहला तीर्थंग होगा अब तीस चौबीस में, तब चारित्र अंतर में चारित्र अंगीकार करेगा तब केवल ज्ञान होगा, चारित्र बिना केवल ज्ञान नहीं, पर चारित्र कौन भाई द्रविलिंग ने खेल मुगुणों चारित्र नहीं, अंतर का शुद्ध स्वभाव में वितरागी वितरागी राग की उपेक्षा न स्वभाव की अपेक्षा, ऐसी चारित्र की दशा जब होगा तब केवल ज्ञान होगा, जरूर केवल ज्ञान होगा, वो अपेक्षा से ताते उपचारते वहां के मोक्ष मार्ग भैया भी कहीं है। देखो सम्यक आत्मा का भान हुआ, भले चारित्र न हो व्रत तप न हो वो तो अपने छठा माएगा नहीं, और लिस्ट संयम नहीं पर सूर जगे है छठाव में है, चारित्र मोह लिस्ट संयम न हो तो अपन जैने देवलोक स्वर्गनाथ देव पर पूछते हैं सम्यक दृष्टि को समझ में, सम्यक दृष्टि कैसी चीज है, बिल्कुल एक राग का अंश जिसको रूठते नहीं, और कोई पर निमित्त में सुख है वो रूठते नहीं, सुख है रूठते नहीं अंदर में, करोड़ मान सम्मान हो चक्रवर्ती का राज हो अंश भी पर में सुख है ऐसी दृष्टि उठ गई है, कहा मेरा सुख पर में है, मेरा सुख तो मेरी चीज में है, ऐसी दृष्टि का करना तो कहते हैं कि उसमें चारित्र उसको आएगा ही है, तो उसको मोक्ष मारी कहते हैं उपचारते हैं, यथार्थ में तो चारित्र जब आएगा तब होगा, हमने में आया पर सम्यक दर्शन क्या चीज की कीमत नहीं, राग का महाचम करना निमित का महाचम करना बहुत अधिकार निमित और राग को देना वो तो मिथ्या दृष्टि की दृष्टि है, एक संयोग चीज है सब उसको अधिकार देना श्रद्धा में, और विकल्प उठते राग उसको अधिकार देना पाप भगवान वितराग विज्ञान घन को निंदा है, हैं अपना स्वभाव ज्ञान मूर्ति में आनंद है, मेरा आनंद दया दान का विकल्प में नहीं मेरा आनंद, ओहो शुभ उठते मेरा आनंद उसमें नहीं, वो आनंद का कारण नहीं, उसमें आनंद नहीं, उसका अवलंबन से आनंद प्रकट होता नहीं, मेरा आनंद मेरी चीज में है, मैं शुद्ध आनंद से भरा हूं, और राग का अधिकता छोड़कर राग से भिन्न अपना शुद्ध चैतन्य उसकी अधिकता हो गई दृष्टि में तो उसको अल्पकाल में चारित्र आएगा, वो अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को उपचार से आव व्यवहार से मोक्ष मार्गी कहने में आया है, नवनीत भाई हम जैसे गाय यहां पर हम जो पर हमने एक थी पकड़े एक बे शब्द पकड़े नहीं हाले सुब्बाराम से फल राम से बोला कि समझता नहीं क्या कहें गया
मदनलाल जी हाँ सुबह ए नहीं सुबह जड़नो थे सुबह एमनो हाल है जड़ना जड़ना हाँ तो बोला तुम कैस पादरा हम हो गया तो कहीं आओ हम कर सीट पकड़ी ना जाए हूं दू शुभ ने अशुभ है तो चैतन की दशा में पर है वो राग दशा माचे राग हित कर नहीं राग से आत्मा उपाधि नहीं आत्मा को उसमें कल्याण ऐसी मान्यता करना समझ में आया हाँ समझाया एक तो बाहर में पैसा आदरू कीर्ति धूल दमा में खूंचाई गयो कहीं धूल मे पांच पच्चीस लाख नहीं क्या समझाई आई जाए क्या बाद में क्रिया करे थोड़ी घनी राग नी मन क्या पूछाई गयो અને એમાં બીજા કઈક ભારી કર્યું બહુત કરતે ભૈયા બહુત કરતે અપવાસ કરતે એસા કરતે એસા શરીર જીર્ણ શું હો ગયા હે શરીર જીર્ણ હો ગયા હે ઉસમે શરીર જીર્ણ હો ગયા ઉસે ક્યા આયા પર ઉસમે રાગ કા જીર્ણતા ન હોઈ ઓર વિતરાગ વિજ્ઞાન કી પુષ્ટિ ન હોઈ ક્યા જીર્ણ મેં પડા હે શરીર જીર્ણ હો કે ન હો यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन भया बाहर में देखा कपड़ों चोरी ने बह तो लुगड़ू उठी नहीं तो बोला पर कह थो मारा ठीक लागे શું કહે છૂટ્યો છે એ નવ તત્વ જેમ છે તેમ વિકલ્પ થી શ્રદ્ધામાં લેવા નય નિક્ષેપ પ્રમાણ થી વસ્તુ છે એમ નક્કી કરવી આ પાત્ર થવાનો પેલો માર્ગ છે બીજો માર્ગ નથી કહો હું આંબલું તાર તેરમી કથામાં તેથી એ ક્ષેત્ર વિશુદ્ધિ બીજ બોતે હે ને બીજ તો બીજ બોતે તો જમીન સાફ કરતા હે કે નહીં કાંટા નિકાલ દેતે હે ઇતના ઇતના ખોદ કર બોરડી કા मूल काट देते हैं ऐसे भगवान आत्मा उसको नए प्रमाण में निक्षेप से बराबर नक्की करना और नव तत्व का विकल्प का भेद से नक्की करना पहले अजीव अजीव है पुण्य पुण्य से आश्रव आश्रव से है संवर संवर से है निद्रा निद्रा से है बंद बंद से मोक्ष मोक्ष से है ऐसा पहले नक्की करना उसकी नाम पात्रता जो आगे बढ़े तो पात्रता कहने में आता है बीज भुवानी अंतर्दृष्टि करे तो नवनीत भाई जमीन साफ करते हैं पर बीज बोवे नहीं तो बेगा आ गई उसकी खर होगा खर कहते खर घास फूस होगा पर जब बीज बोना है तो खेतर विशुद्धि होती है कांकरा कांटा निकालना पड़ेगा पहले ऐसे पहले नौ तत्व क्या है सर्वज्ञ भगवान किसको नौ पृथक पृथक नौ का भिन्न भिन्न कार्य क्या है और क्या नई आत्मा शुद्ध है कई नई आत्मा शुद्ध है प्रमाण से शुद्धा शुद्ध कैसा है ऐसा उसको नक्की करना उसका नाम ए पात्रता हद बधे तो कहने में गाय भाव बोल जाएगी नहीं मां क्यों कहिया तेरमी क्यों हमड़ी लुगड़ा फिर उन्होंने आयो है मां अजीब आयो अजीब आई अजीब जहां थे तेम तेम रहे जेने जानू एम नाम अजीब नु ज्ञान अजीब ने आम करो ना आम करो ये अजीब नु ज्ञान नहीं ओ, हम जानू सेठी ये तो प्रश्न ऐसा करते हैं ऐसा उसके लिए करते हैं आई कहते हैं मोक्ष मार्ग वाक होश है इस शनि राजा सन्नत दृष्टि हुआ तो केवल ज्ञान पाएगा भविष्य में चारित्र कर लेगा पर विचार दृष्टि बार मां पंच महावर्ष ने छह मोगुण धारण किया है हेठे उतर जाएगा शुभ में धर्म मानने वाला मिथ्या दृष्टि क्रमे क्रमे निगोध में चले जाएगा समझ में आया एक वस्त्र का धागा रखकर संयद संज्ञान चारित्र नहीं है और मुनिपरा
मानते हैं तो कहते हैं आचार्य महाराज निरोध सही, निरोध में जाएगा। जब मणि पर आत्मा की संगत दर्शन ज्ञान से भीतरागी दशा हो, तब तो मुनिपरा की नग्न दशा हुई बिना रहती नहीं। ऐसी दशा में हो और दूसरी दशा में मुनिपरा मान ले, निरोध संयम कहूं तो पी बाकिया ना शुभराग में धर्म है ऐसा मानने वाला तो निरोध सही है। इनका निरोध की पति का यथोज बनती नहीं पर प्रश्न करे दो एनो अर्थ शू सुनाई के जी राग छे ने राग शुभ हो के अशुभ हो आ एनी रुचि एना ज्ञान नी दशा ने हीणी पड़ी गई राग नी रुचि राग नो विश्वास के आना थी धर्म थाय ज्ञान नी दशा हीणी करी ने निगोड में जैसे हेतु तो आम से अने राग ने रुचि छोड़ी एकला ज्ञायक ने रुचि नु ज्ञान क्यों ये क्रमे क्रमे ज्ञान वधी ने केवल थी जैसे बोला ने निगोड दशा थे अने केवल वस्तु आम से समझाणु काय રાગની રૂચિ વાળાને તો વિકારની રૂચિ છે અને વિકારની રૂચિની પુષ્ટિ થતા થતા નિર્વિકારી શક્તિ તો એમ એમ રહેશે પર્યાયમાં હીણી દશા થતા 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 નિરોધ એક શરીરને અનંત આત્મહત્યા કરી જાય અને રાગને પુણ્યની પાપની વૃત્તિ હોવા છતાં રૂચિ છોડ કર શુદ્ધતા વિકરાગી દ્રષ્ટિ વિકરાગ સ્વભાવ જચ્યા તો વિતરાગ ભાવ કી પુષ્ટિ કરકે ચારિત્ર લેકર વિતરાગ કી પુષ્ટિ કરકે એકલા વિતરાગી વિજ્ઞાન કે જ્ઞાન હો જાયગા નહીં બેન મેં ચાર જેવી વાત છે આમાં ક્યાંય કોઈ પ્રશ્ન સંદેહ ને કામ નથી પણ હવે એને ન બહે ત્યાં સુધી કઈ કોઈ પરાણી કેવળ જ્ઞાની પણ આવે તો બે આવી શકે નહીં ત્રણ લોકના ના તીર્થંકર દેવ उसका समोषण में भी अनंत बेर गई सभा में भगवान की सभा में अनंत बेर गई भैया भगवान विराजते महावीर क्षेत्र में अभी सिमंदर भगवान दर्शन किया ने वो सब सिमंदर भगवान है मानसम में उसमें समोषण में वर्तमान महावीर क्षेत्र में मनुष्यपणे विराजते हैं पांच छह धनुष का देह है करोड़ प्रभु का आयुष है केवल ज्ञानी तेर में गुणस्थान विराजता है नमो हरिहंतानम हरिहंत पद में वर्तमान विराजते हैं आप जमीन ऊपर हो हरिहंत पद में विराजते हैं बहुत काल रेखकर पति सिद्ध होगा भगवान महावीर तो सिद्ध भी हो गई भगवान विराजते क्या हरिहंत अब सिद्ध हो गई महादेश में प्रभु विराजते हैं हरिहंत है पीछे सिद्ध हो जाएगा तो हरिहंत पद सिद्ध पद हरियाई की प्राप्ति हुई वो वितरागी विज्ञान घन का आश्रय लेकर प्राप्ति हुई है उदास कह रहे थे सम्यक दर्शन जब से हुआ तब से राग राग नहीं आ नहीं आ अरे मेरी चीज में आ नहीं ऐसी अंतर्दृष्टि जब वितरागी चैतन्य की हुई अल्पकाल में चालित लेगा और समोषण में ऐसा भगवान पास से अनंत बेर गई पर राग बिना की अपनी चीज रुचि नहीं जसी नहीं जसी नहीं अंदर जसी नहीं तो कौन जचावे कौन आपे भगवान की वाणी तो निमित है वो समझे तो न समझे तो भगवान कोई प्राणी समझा दे प्राणी क्या कहते हैं जबरदस्ती तिरधनर कोई को समझा दे ऐसी ताकत तीर्थंकर में भी है नहीं समझ में आया परमार्थ सम्यक चारित्र भई मोक्ष मार्ग हो है देखो सम्यक दर्शन हुआ पर जब चारित्र स्वरूप में रमणता हो चारित्र होगा तब मोक्ष मार्ग हो है जैसे कोई पुरुष कहे
किसी नगर चालने का निश्चय भया, कोई नगर चालने का निश्चय भया, जो दृष्टांत पाते वाके व्यवहार से ऐसा भी कहिए जो यह इस नगर को चला है, नगर को चला है। हम कहिए मुंबई की टिकट लेकर बैठे, यहाँ कहे कि भैया मुंबई गई, अजी तो रस्ते में है तो अपन मुंबई गई ऐसे कहने में आता है। यह नगर चले परमार्थ मार्ग विषय गमन की ही चलना होते है। देखो मार्ग में गमन कर से तब परमार्थ है, गमन की चलना होते है। ये दृष्टांत कैसे अस्त में दृष्टि कहे, देखो आमा सिद्धांत कैसे असंयत सन्नक दृष्टि चौथा गुणस्थान वाला। अजी सावक मुनि थे पहले, सावक मुनि आ संप्रदाय वाराका की बात नहीं है, वाराका तो सब कहते हैं हम सावक मुनि है। ऐसे नहीं थैली में चिराता भरा हो, थैली कहते हैं कैसे बोरी और ऊपर लिखकर शक्कर तो क्या चिराता मीठा हो जाता है। ऐसे हम सावक है मुनि है नाम धराओ, पर उससे अंतर झेर की दृष्टि निकाले बिना, राग ने पुन की रुचि निकाले बिना सम्यक दर्शन की अमृत की प्रकट होगा नहीं। समझ में आया जो हम सावक है ये बात नहीं कहते हैं। देखो असंयत सम्यक दृष्टि कहे वितराग भावरू मोक्ष मार्ग का सिद्धांत भया, तू कहा ये वितराग भावरू मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग वितराग भाव है, ऐसी सिद्धांत हुआ। पहले कोई नगर में चलने का नीचे भया व्यवहार थी कहिए, खरेखर तो नगर में चलेगा तब परमार्थ गमन करेगा तब चलना पहुंचे। ऐसे भगवान आत्मा उसकी सम्यक दृष्टि को वितराग बावरु मोक्ष मार्ग का सदन, देखो मार सिद्धांत एक नीचे मोक्ष मार्ग भाई तो वितराग भाव से मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं श्रद्धा है और व्यवहार राग से मोक्ष मार्ग नहीं। हम कहीं तो पहले साथ में हम कही गया कहीं राग ने मोक्ष मार्ग कहा तो व्यवहार आरोप से कहा है। सम्यक दृष्टि जीव को चाहे तो ग्रस्ताश्रम में हो, चाहे तो स्वर्ग में हो, चाहे तो नरक में भी हो सम्यक दृष्टि, और चाहे त्रियंश में भी हो, त्रियंश पशु उसमें भी संकित होता है। संयम रमन समुद्र 1000 योजन का मत है उसको भी सम्यक दर्शन होता है, पर वो सम्यक दर्शन क्या क्या श्रद्धा हुई वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग, देखो आप महा सिद्धांत। ओहो किसी चंद जी क्या लिखा है वो वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग, वो पंच मार्ग राग मोक्ष मार्ग नहीं। देखो बातो और संयत सम्यक दृष्टि कहे धर्मी जीव को पहले दर्जा का धर्मी को पहले दर्जा का धर्मी असंयत सम्यक दृष्टि वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग, वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग उसकी सद्धन भैया। देखो समझ में वितराग भाव रूप नहीं वायु मंडारो में राग ने पुण्य पाप का भाव रही वितराग और कसाय भाव है वही मोक्ष मार्ग है, ऐसी सद्धन भैया। ओ देखो भाई वितराग भाव मोक्ष मार्ग, अरे कहते मोक्ष मार्ग दो है एक व्यवहार ने एक निश्चय, एक राग ने एक अराग। आप दो दिन मर्जी तो ना पारते हैं कि वितराग भाव रूपी एक मोक्ष मार्ग है। हम क्या हमारे से नहीं मोटो मोटो मार्ग नो सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार पर मोक्ष मार्ग है, उपचार थे नकामी चीज थे आंगड़ा उभे राग पर आंगड़े उभा नहीं रहे
અમારે ગજરામાં થયું હતું એકાદીમાં વરસાદ, બહુ વરસાદની કમી હતી, વરસાદની કમી એકાદી ગઢડા. એને શું કહ્યું સમજાણ, પશુ હતા ને પશુ જયારે આ દુકાળ પડતા ને કાચ નહીં મળતા તો બે જાતે અંદર નબળાઈ હોય જતી ને બે જાતે, તો પછી એવું ચાંદા ન પડે ચાંદા તો માજન લોક આકર લાકડા નાખકર ઊંચા કરે ઊંચા, પણ ઊંચા કરતા હતા વિઠ્ઠલભાઈ ની તમારા કાકા ને બધા હું જોતો જ ના, એકાશી ની વાત છે. 1938 વર્ષ થયા વરસાદની કમી હતી, પછી ત્યાં વંદામાં ઢોર પશુ ને નાખતા, પણ કસ નહીં અંદર ઘાસ મિલે નહીં એટલે આ કસન એટલે બે જાય, પછી અથડાય ચાંદા પડે, ચાંદા સમજ છે ફોડા ફોડા ઢોર કો ફોડા પડ જાય, હા પડે પડે ગળ જાય, તો પીછે વાણી આવે ત્યારે જેની લાકડા નાખી હાંગડા એને કીધું, હાંગડા હાંગડા એટલે લાકડા, લાકડા બે બાજુ કરી ઊંસા કરે ઊંસા કરે, પણ એ જ્યાં જાય પાંચ મિનિટ ઉભા રહે છે અહીં પગમાં તો કસે નહીં અનાજ હોય ને ઘાસે નહીં પડે એવું સપાટ લાગે ને, એટલે હું કહેવા હાંગડા જ્યાં સુધી કામ કરતા છે હાંગડા સમજે લાકડા નહીં કે પણ અંદર પગ મે તો કસ નહીં, ઘાસ મિલે નહીં, પાણી મિલે નહીં, શરીર ગળ જાતે હૈ તો ઉઠકે ઉઠને કી શક્તિ નહીં, વાણી આકર લાકડા ના કર લકડી ઊંચે ઊંચા કરે પાંચ મિનિટ ઉધારે એવા પડે, અંદર તો તાકાત નહીં એસે રાગ કા હાંગડા ના કર ઊંચા કરના મિથ્યા દર્શી કા હાલત ઊંચા હોગા, સમજાય છે કાય હાંગડા નાખવા અહીંયા તો એ પણ શીખી ગયા, અહીંયાનું આ મધ્ય ના આવીને ન્યા દે બે બાજુ કો સમજાણું કાય, જો મારા સિદ્ધાંત કહ્યો અસંયક સંલગ્ન દ્રષ્ટિ શ્રદ્ધાવન સંયક દ્રષ્ટિ આત્મા કા નિર્વિકલ્પ પ્રતીતરૂપ સંયક દ્રષ્ટિ એસે માનતે વિતરાગ ભાવી મોક્ષ માર્ગ હૈ, ઇસમે રાગ કા કણ આતે હૈ મોક્ષ માર્ગ નહીં, અહીં તો ઠેકાણા નહીં હાંગડા નાખવા છે એમાં નાખો મળશે અમુકા એવા પડશે ખાતાનું માનશે નહીં, એને પડશે હું જાય અશુભમાં, શુભની રૂચિ વાત સંયગના ભાન વિના અશુભ કો પલટકર અશુભ મેં જાના જાયગા, શુભ કો પલટકર અને અશુભ મેં જાકર આયુષ્યમાન દેગા નર્ક નિગોધ કા, ક્યાં કરે કોણ સમજાવે કોને કોણ સમજે કિસને, ઓ અપને સે સમજે તો ચલે નહીં તો કોઈ સમજા સકતે નહીં, તીર્થંકર ભી અનંત હો ગયા, અનંત હો ગયા સમોક્ષર મેં ભી અનંત વહેર ગઈ, સાક્ષાત ભગવાન કા સમોક્ષરણ મેં એસા કલ્પવૃક્ષ કા ફૂલ છે, ભગવાન કી પૂજા કિયા સમોક્ષરણ મેં ક્યાં હુઆ, અરે હું સુનભાઈ ભક્તિમાં અરે પ્રભુ નો કહ્યું ભગવાન નું કે ઇન્દ્રે આપતા અભિષેક ક્યાં તો ક્યાં હુઆ ઉસમે ક્યાં બરાય હૈ પ્રભુ, ઓર કમળ કો હાથી હિલાયા કમળ કો હાથી ને હિલાયા તો ક્યાં હુઆ, નવનીતભાઈ આવ્યું છું ભક્તિ કમળ હોતા ને કમળ હાથી આકર હિલાયા તો ઉસમે ક્યાં હુઆ, ભગવાન આપતા અભિષેક ઇન્દ્રે ક્યાં ઉસમે ક્યાં હુઆ, ઓર આપી દીક્ષા મેં ઇન્દ્ર આયા તો ક્યાં હુઆ, આપી વિતરાગી દ્રષ્ટિ ને ચારિત્ર ઉસમે સંભાલે, અરે કમલ કો હિલાયા હાથી ને ઉસમે ઉભા ક્યાં, હાથી હવારે તો પૂંછડું હવે ક્યાં હલી જાય ને, હલાવવું પડે નહીં પૂંછડું જામ પડે પૂંછ કમલ લાગે ત્યાં કમળે સા, અરે ઉસમે ઉભા ક્યાં, એમ પરો કા પન પ્રકૃતિ કે કારણ કોઈ અભિષેક હો દુનિયામાં પ્રસિદ્ધિ હો ક્યાં હોવા,
No need why. Bhakti man, come here, nothing. Yes, by accident. Come on, Vilaya, Hati, to kya hua? आ इंद्र ने भगवान आपका अभिषेक किया तो क्या हुआ था? वो तो पुण्य बंध का कारण है, उसका शोभ और उसकी महिमा उससे तुम्हारी नहीं, अभिषेक से तुम्हारी महिमा नहीं, तुम्हारी महिमा तो विकरागी केवल ज्ञान गण से तुम्हारी महिमा है। समझ में आया? ऐसे पुण्य से अपनी महिमा नहीं, भाग्योदय से अपनी महिमा नहीं, तो कहा नहीं मनाज दास तो कहा है वीट समान विष्टा समान भाग्योदय मानते हैं वक्त सम्यक दृष्टि अपना वक्त वक्त समझते हैं बहुत अनुकूलता हो सिठाई देवी अनुकूलता मैं क्या बदी से अनुकूलता नहीं पग में दुखे जनाब दिक्रो मरी जाए मैं क्या हरकी रख लड़की पर कोई ना बदी हरक है लो ना सेठ तो क्या हुआ उसने अनुकूलता सम्यक दृष्टि जानते हैं कि वो भाग्य का उदय विष्ठ समान है विष्ठा समान है बनासीदास कहते हैं बनासीदास है ना वो समझता नाटक उसमें लिखा है सम्यक दृष्टि विष्ठा समान अपना भाग्योदय मानते हैं हम प्रशंसा चले दुनिया अरे क्या है वो तो गुरु का पुण्य का फल है वो समझता नाटक है ना समझदार है ना ये वाली दूसरी वो दूसरी बात वो वीट सो वक्त माने वो बात है वीट सो वक्त माने वक्त नाम भाग्योदय का काल है वो समय नाटक बना सिद्धार्थ का बनाया हुआ उसमें ओगनी मुंह से बंद मद्वार में तीत सो कनक जाके नीच सो नरेश पद मित सी मिताई गरुवाई जाके दारसी दहरसी जोगे जाती कहरसी करामाती हरसी हंसपुद गिखारसी जाल सो जगत विलास बाल सो भुवन वास काल सो कुटुम्ब काज लोक लाज लारसी ईठ सो सुजस जाने वीठ सो वक्त माने ऐसी जाकी रीति ताई बंदर के बनारसी एक कंचन को कीचड़ के समान जाने सम्यक दृष्टि राजपद को नितांत तुच्छ जाने तो राज मिला धूड़ में राज हमारा क्या है हमारा राज तो हमारी पास है लोगों की मित्रता को मृत्यु समान माने और क्या संग करना राग होगा मृत्यु समान प्रशंसा को गाली के समान धर्मचंद जी एक प्रशंसा को सम्यक दृष्टि गाल क्या प्रशंसा हमारी प्रशंसा तो हमारा अपने में है तुम प्रशंसा करते हो तो पूर्व का पुण्य के कारण है गाली समान जानते को समझे योग की क्रियाओं को जहर के समान ए योगनी क्रिया शुभ शुभ भावनी क्रिया जहर समान मंत्रादि करामात को दुख के समान लोक की उन्नति को अनर्थ के समान लोक की उन्नति हुई पुत्र हुआ पैसा हुआ आबरू हुई दुकान हुई बहुत अनर्थ शरीर की कांति को राग के समान शरीर की कांति ये तो दूर की कांति है आत्मा की है तो माटी है धूल है राख के समान आज संसार की माया को जंजाल के समान घर के निवास को बाण की नौक के समान है अने कुटुंब के कार्य को काल के समान आ लोक लाज को लाल के समान लाल लाल अने सूयस को नौक के मेल के समान भाग्योदय को विष्टा के समान मैट्रिक है तुम्हारे गरीब भाग्योदय तो विष्टा समान अरे हमारा पवित्र भाव तो हमारी भाष है ये भाग्य तो विष्टा समान है अने पछी तो पहले एम लीधु मैंने शुक्र को भाई जो पुरुष पकवान है सुवर ने
એ પુરુષનો વિષ્ઠા તે પકવાન લાગે છે. શુભ મૂર્ખ કે ભાઈ શુભબંધ નિર્વાણ હૈ, અજ્ઞાની ને શુભબંધ હૈ તો નિર્વાણ માનતે. જ્ઞાની કહે રે શુભબંધ તો રાગ હૈ, બંધ કા કારણ હૈ, હમારા સ્વભાવ મુખ કા કારણ, એસી સંગત દ્રષ્ટિ રુચિ હોતી.